हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। भाई आज हम बढ़िया सा घर पे ही बना लेंगे क्रिस्पी पनीर पकौड़ा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके, ताकि आपको हर हफ्ते बढ़िया और आसान सा फूड रेसिपी वीडियोस मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं इस पनीर पकौड़े की रेसिपी फटाफट से। यहाँ पे पहले एक मैरिनेशन बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मीडियम साइज का चम्मच है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने ऐड कर देना है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच की मदद से इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। हमारे ये जो बढ़िया सा पनीर के लिए जो मैरिनेशन का पेस्ट था वो बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने 6 टोटल पनीर पीसेस लिए हैं रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि आयताकार का। उसमें मैं ऐड कर दूंगा हमारा जो पनीर का जो मैरिनेशन था वो, इसके ऊपर हम बिल्कुल बढ़िया से कोट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ये मैरिनेशन पनीर के ऊपर ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से हर एक तरफ इसे हमें कोट करना है। कोट करके हम इसे मैरिनेट होने रखेंगे करीब 10 से 15 मिनट तक। टोटल 10 से 15 मिनट तक हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे। हमारे ये पनीर पीसेस तैयार है, इसे मैरिनेट करने रखते हैं। तब तक हम बना लेंगे एक बिल्कुल बढ़िया सा मैदे का बैटर। जी हाँ, मैदे का। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सिंपल सा मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे के ऊपर मैं ऐड करूंगा इक्वल क्वांटिटी का कॉर्नफ्लावर, यानी कि 2 चम्मच। उसके ऊपर मैं ऐड करूंगा चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, आप चाहे तो सूखे लाल मिर्च को भी काट कर चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। ड्राइड हर्ब ऐड करेंगे 1 चम्मच, ड्राइड हर्ब नहीं है आप बिल्कुल स्किप करके इसके जगह पर काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं ऐड करूंगा नमक स्वाद अनुसार और पानी ऐड करेंगे टोटल 4 से 5 चम्मच। बेसिकली हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। टोटल 4 से 5 चम्मच का मैंने यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया है एक बिल्कुल सिंपल सा बैटर बनाने के लिए। बैटर हमारा तैयार है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की ओर, यानी कि कॉर्नफ्लेक्स। मैंने यहाँ पे सिंपल सा कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स से हमें बिल्कुल बेस्ट और क्रिस्प रिजल्ट्स मिलने वाला है। कॉर्नफ्लेक्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा करीब 1 कप। बिल्कुल बढ़िया सा कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को हम अपने हाथों के मदद से, यानी कि उंगलियों के मदद से बिल्कुल अच्छे से इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये क्रश होके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल प्रोसेस की ओर, यानी कि पनीर को फ्राई करने की ओर। बैटर और कॉर्नफ्लेक्स हमारा बिल्कुल तैयार है। तेल मैंने यहाँ पे गर्म करने रख दिया है, फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है, 5 मिनट से तेल गर्म हो रहा है। अब एक एक करके कोट किया हुआ पनीर पीस लेंगे जो पहले से मैरिनेट हो चुका था। बिल्कुल अच्छे से इसे हम बैटर पे पहले डुबोएंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे इवनली, और फिर पनीर को कोट करेंगे हम कॉर्नफ्लेक्स के साथ। कॉर्नफ्लेक्स के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट करना है। हर एक साइड्स को हम बढ़िया से कोट कर लेंगे और इसे साइड पे रखेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम पीसेस को कोट करते जाएंगे। एक बार बैटर पे डिप करना है, फिर कोट करना है हमारे कॉर्नफ्लेक्स के साथ, ताकि ये बिल्कुल बढ़िया सा क्रिस्प बने फ्राई होने के बाद। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 पीसेस को बिल्कुल बढ़िया सा तैयार करके रख लिया है। पहले तो 2 पीसेस मैंने साइड पे रखा हुआ है, पहले हम इसे करेंगे फ्राई। तेल बिल्कुल गर्म है, एक एक करके हम पनीर पीसेस इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे, हाई नहीं करना है, लो भी नहीं करना है, फ्लेम रहेगा मीडियम पे। एक एक करके पनीर पीसेस ऐड करेंगे और टोटल फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। करीब 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा पनीर पीसेस बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो रहा है, और भी 2 मिनट तक इसे हम बिल्कुल बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, 5 मिनट्स हो चुका है, हमारा पनीर पीसेस बिल्कुल क्रिस्प और बढ़िया सा फ्राई होके बाहर आ चुका है। इसी तरह से हमारा जो 2 बाकी पीसेस बचा हुआ था उसे भी बिल्कुल फटाफट से फ्राई कर लेंगे। एक बार फ्राई हो जाने के बाद हमारा पनीर पीसेस सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। गाइज, यहाँ पे हमारा पनीर पीसेस सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे बढ़िया से टमाटो केचप के साथ। सो गाइज, अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा रेसिपी को पसंद आया तो रेसिपी को लाइक करिए, रेसिपी को शेयर करिए। रेसिपी से रिलेटेड भाई आपको कोई से भी डाउट है आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं मिलता हूं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, आई एम योर होस्ट गुड बाय फूडीज़।